आज बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंद माता का आशीर्वाद देशवासियों पर, बीजेपी के हर कर्मठ कार्यकर्ता और हर सदस्य पर हमेशा बना रहे। हमारी सरकार राष्ट्रीयता की बात करती है और आज देश के पास नीति भी है, नियत भी है। हम देश के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। देश के लिए खुद को खपा देना है। सबका साथ सबका विकास के साथ हमें सबका विश्वास मिल रहा है। कोरोना काल में देश ने बड़ा लक्ष्य हासिल किया। दशकों तक हमारे देश में कुछ पार्टियों ने वोट बैंक की राजनीति की। तीन दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है, यानी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। उधर दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी का झंडा फहराया और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी और कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि उन्हें बीजेपी जैसी पार्टी में काम करने का मौका मिला है। आज पार्टी पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। हमारी पार्टी सिर्फ राजनीतिक दल के रूप में नहीं जानी जाती, इसका सामाजिक पक्ष भी उजागर हुआ है और कोरोना काल में करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने आप को, करोड़ों लोगों को सेवा पहुंचाने के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर काम किया और उसको आगे बढ़ाया। जब मैं लंबी यात्रा की बात करता हूं तो हमारे आज 402 सांसद हैं और राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। यह गौरवमय अवसर है, ये सौभाग्य है हम सबका कि हम भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से आगे मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ देख रहे हैं।